आपको तो पता ही है कि फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है और ये आज से नहीं बल्कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में पिछले 4 सालों से नंबर 1 स्थान पर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश कैसे है, यानी इस देश की सबसे खास बात क्या है जो कि फिनलैंड के साथ साथ दूसरे यूरोपीय देश को वर्ल्ड हैप्पीनेस कंट्री बनाती है। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। नंबर 1, समाज में सभी बराबर हैं। अगर आप एक अच्छे और सांस्कृतिक परिवार से आते हैं तो आपको ये बताया गया होगा कि समाज में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, बड़ी और छोटी सोच होती है, ना कि कोई इंसान। और यही बात देखने को मिलती है फिनलैंड में। वहाँ के लोगों का मानना है कि खास और आम की अवधारणा को ही खत्म करके हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। फिनलैंड की राजधानी में भी मकानों की कीमत वहाँ के इलाके के हिसाब से नहीं बल्कि आकार के हिसाब से तय होती है। वहाँ कोई भी मोहल्ला अमीरों का नहीं है। फिनलैंड में आपको हर गली मोहल्ले में अमीर और गरीब एक साथ ही रहते देखने को मिल जाएंगे। फिनलैंड का हर एक इंसान अपनी जरूरत के अनुसार कहीं भी घर खरीद सकता है। नंबर 2, दिखावा करने से बचना। आजकल हमारे यहाँ शो ऑफ करने का जैसा रिवाज ही बन गया है। कई लोग तो सोशल मीडिया पे मानो राजा महाराजा की जिंदगी व्यतीत कर रहे हों और असल जिंदगी में कहानी कुछ और ही होती है। वहीं इस मामले में फिनलैंड के लोगों का मानना है कि कभी भी अपनी धन संपत्ति का दिखावा नहीं किया जाए। अगर आप कभी फिनलैंड जाओगे तो देख पाओगे कि वहां आपको किसी भी शहर में महंगी महंगी कार देखने को नहीं मिलेंगी। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वहां के सबसे अमीर इंसान एंटी हर्लिन भी सिंपल कार चलाते हैं। उनके पास कोई लग्जरी कार नहीं है। फिनलैंड में जो व्यक्ति अपनी धन संपत्ति का शो ऑफ करता है उसे वहाँ के लोग यानी वहाँ का पूरा समाज एक बुराई के रूप में देखता है। और हमारे यहाँ तो हाल कुछ अलग ही है। यहाँ तो इस सेलिब्रिटी ने वो किया, उसने ये किया, फलाना ढिमकाना, खासकर मीडिया में अक्सर बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। वहीं फिनलैंड में आम लोगों में इस बात की चर्चा भी नहीं होती कि फिनलैंड का सबसे अमीर इंसान कौन है। नंबर 3, हमेशा सीखते रहना। फिनलैंड के लोगों का मानना है कि हमें यह नहीं सोचना है कि हमारा ज्ञान दूसरों से ज्यादा है बल्कि हमें हमेशा सीखते रहना है। यानी ये लोग कभी भी अपने ज्ञान का दिखावा नहीं करते हैं। फिनलैंड में शिक्षक बनने के लिए सबसे कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जैसे हमारे यहाँ IAS बनने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि टीचर का प्रोफेशन सबसे अहम पेशा है, इसीलिए सबसे योग्य शिक्षक ही टीचर की नौकरी पा सकता है। और हाँ, एबिलिटी के साथ साथ विनम्रता भी वहाँ के टीचर के लिए बहुत जरूरी है। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद आया। फिनलैंड में टीचर्स बच्चों के दोस्त बनकर रहते हैं। नंबर 4, सबको समझने का प्रयास करना। आपको कभी भी ये नहीं मानना है कि आप सबसे बेहतर हो। दोस्तों, ऐसा मानना है फिनलैंड के लोगों का। वे कहते हैं कि आपको सबको समझने का प्रयास करना है। फिनलैंड की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच मार्को केनेरवा यहाँ के रोल मॉडल हैं, जैसे हमारे यहाँ धोनी, विराट एक्सेट्रा हैं। वे खुद पॉपुलर फुटबॉलर रहने के बावजूद स्कूल में टीचर भी बने। बतौर कोच उनकी खासियत यह मानी जाती है कि वे टीम के सेवक सा व्यवहार करते हैं, और तो और वे बिना किसी दबाव के सीखने की प्रक्रिया के पक्षधर हैं। नंबर 5, शिक्षा सबका हक है। फिनलैंड के लोग मानते हैं कि शिक्षा पर सबका समान अधिकार हो, और इसलिए आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि फिनलैंड में शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। और हाँ, सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी तरह से निशुल्क है। और मुझे सबसे खास बात तो ये लगी कि बाहरी इंसान भी वहाँ जाकर इस निशुल्क शिक्षा का लाभ उठा सकता है। काश मैं भी जा पाता। आपको मौका मिले तो क्या आप फिनलैंड जाना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 6, सबसे समान व्यवहार रखो। आपको हर नागरिक से समान व्यवहार रखना चाहिए। आपको गलती से भी ये नहीं सोचना है कि आप ज्यादा अहम हो। इस बात को फिनलैंड बखूबी निभाता आया है। कुछ दिन पहले ही वहाँ 3 कैबिनेट मंत्रियों ने सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म दिया। उन्हें वही सुविधाएं मिली जो कि एक आम नागरिक को मिलती हैं। और इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि किसी को भी विशेष सुविधा न दी जाए, सबसे बराबर व्यवहार हो। और सरकारी सिस्टम से जुड़े लोग इसका खास ख्याल रखते हैं। और हमारे यहाँ रियलिटी क्या है, खैर आप तो जानते ही हैं, मुझे क्या बताना। नंबर 7,
ईर्ष्या नहीं करनी है। आपको कभी भी जन्म, योग्यता या उपलब्धि पर किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी है, यानी जीवन के हर पहलू में समानता हो, ऐसी मानसिकता है फिनलैंड के लोगों की। फिनलैंड के लिए अब मैं क्या ही बोलूं? वहाँ स्वास्थ्य व शिक्षा की सुविधा सबके लिए बराबर है, रोजगार के अवसर भी बराबर है। नेता, मंत्री, व्यापारी, नौकरी पेशा या बेरोजगार, सभी के बच्चों को एक समान वातावरण में बड़े होते हैं। और यही कारण है कि यहाँ बच्चों में असमानता की वजह से कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं आता, जो कि सच में बहुत अच्छी बात है। नंबर 8, मजाक नहीं उड़ाना है। आपको कभी भी किसी भी कारण से किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, यानी सबकी भावना का सम्मान हो। फिनलैंड के सोसाइटी में, यानी कि समाज में, इस बात पर बचपन से ही फोकस दिया जाता है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि बच्चे एक साथ मिलकर हंसे, मगर कभी भी एक दूसरे पर कभी न हंसे। किसी की शारीरिक बनावट, जैसे कि मोटापा, पतला, गोरा, लंबा या सामाजिक परिस्थिति का भी उपहास नहीं किया जाता। उपहास यानी कि किसी का मजा लेना यहाँ की संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। नंबर 9, खुद को जानना है। आपको दूसरों की राय नहीं बल्कि खुद को जानना है, और ये तभी संभव होगा जब आप प्रकृति के साथ समय बिताओगे। यानी अगर आपको खुश रहना है तो अपनी खुशी प्रकृति में तलाश करें, ऐसा मानना है फिनलैंड के लोगों का। फिनलैंड का 70% इलाका जंगल है, और वहीं इस देश में 100,000 से भी ज्यादा झीलें मौजूद हैं, और यहाँ के लोगों का सबसे पसंदीदा काम प्रकृति के बीच समय बिताना है। यहाँ के शहरों में रहने वाले करीब हर इंसान के पास ग्रामीण इलाके में समर कॉटेज भी है। यहाँ आने वाले पर्यटक कहते हैं कि फिनलैंड में नागरिकों का जीवन किसी रिजॉर्ट के मेहमान जैसा है। और फाइनली नंबर 10, बिना नाम के लिए काम करो। आपको कभी भी अपने काम, अपने उपलब्धियों का बखान नहीं करना है, यानी श्रेय यानी कि क्रेडिट लेने के बजाय चुपचाप काम किए जाना है। कुछ साल पहले जब लॉकडाउन का समय चल रहा था, तो फिनलैंड की पीएम सना मरीन ने खुद लोगों के लिए जरूरी चीजें जुटाई, ग्राउंड लेवल पर मैनेजमेंट को देखा, मगर कभी भी इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। वरना हमारे यहाँ तो जरा सभी राशन क्या देते हैं या कुछ खाने को ही क्या देते हैं, सेल्फी पर सेल्फी। फिनलैंड में कोरोना काल में देश के अमीरों ने जमकर दान दिया, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। यानी दान ऐसा करो कि दाहिने हाथ से करो तो बाएं हाथ को पता ना चले। फिनलैंड में कोई भी काम का क्रेडिट लेना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो दोस्तों, यही वो 10 नियम है जिनको अपना कर आज फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। तो अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप भी इसे अपनाएंगे। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिए कि इन 10 बातों में से, यानी 10 टिप्स में से आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा टिप्स आया, कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, और हाँ, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इन टिप्स को अपना कर हम और हमारे दोस्त परिवार वाले भी एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। तो दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर ख्याल रखिएगा, कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ दोस्तों, अगला वीडियो किस टॉपिक पर लग जाए वो भी कमेंट में लिख सकते हो।